आंटी, बदगुमानी वगैरह सब पुराने दौर की बातें हैं। एक छोटा सा मिसहैप हुआ था, हमने हैंडल कर लिया। हाँ लेकिन बेटा, मेरे बेटे की मंगनी में बदमस्की तो हो गई ना, अंगूठी इधर उधर हो गई, वो एक अलग टेंशन। लेकिन खुशी के मौके पर इस तरह पुलिस घर में आ जाए, मुनासिब बात नहीं लगती। वैसे आंटी, ये रिंग काफी अच्छी है, आपकी शादी की है। ये मैं रख लूं, आप मेरी वाली एंगेजमेंट वाली रख लीजिएगा। हाँ अगर तुम्हें पसंद है तो जरूर रखो, वैसे भी सब कुछ तुम्हारा ही तो है। थैंक यू। सालार, बेटा अमीन का क्या बना? जी जी आंटी, वो तो मामला सेटल कर दिया था। उसकी नीयत चोरी की नहीं थी, वो तो भक्तों को फंसाने के चक्कर में उसने ये सब कुछ किया। मैंने अंकल से बोला कि वो उसको एक दो हाथ लगाकर काम से फारिग कर दे, खामखां FIR कराने की क्या जरूरत है। हाँ ठीक किया तुमने, वैसे भी अगर कोई गलती कर दे तो दिल बड़ा करके उसे माफ कर देना चाहिए। वैसे आंटी, ये भक्तू भी खामखां अमीन के साथ लड़ता था, मेरे ख्याल में अमीन के साथ साथ भक्तू को भी काम से फारिग कर देना चाहिए। मैं जानता था भक्तू ने कुछ नहीं किया, इसीलिए मोहसिन भाई को मैंने पहले ही कह दिया था कि जब उसकी तफ्तीश कर रहे हो तो उसके साथ नरमी से पेश आए, और निकालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बख्तू यहीं रहेगा और यहीं जॉब करेगा। कम से कम मुझे रात को फोन करके तो बता देना चाहिए था ना तुम्हें कि वो तकरीब में देर हो जाएगी। तुम्हें पता है कितना परेशान हो रही थी मैं। क्यों थी परेशान? क्या कयामत आ गई थी जो परेशान हो रही थी? दिन भर भी तो काम करने के लिए निकलती हूँ ना, बाहर कमाने के लिए निकलती हूँ, अगर रात में भी निकल गई तो क्या कयामत आ गई। परेशान हो रही थी, परेशान हो रही थी, माँ पता तो है मैं काम के लिए निकलती हूँ, रात भर की नहीं सोई हुई मैं, माफ कर दो मुझे। मैं तो इसलिए कह रही थी कि हालात कितने खराब हैं आजकल, आए दिन सुनने को अजीब अजीब सी खबरें मिलती हैं, डर लग जाता है ना बेटा, वो लगता है हर तरफ दरिंदे फिर रहे हैं। इससे भी रात में लड़की का बाहर रहना अच्छा नहीं समझा जाता है हमारे माशरे में, बेशक वो मजबूरन घर से बाहर क्यों ना निकले। चार पैसे कमाने के लिए निकलती हूँ मैं, अपनी मर्जी से नहीं निकलती।